जयपुर से बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज एक सप्ताह पूरा हो चुका है, लेकिन ये गतिरोध कब टूटेगा और शहरवासियों को गंदगी से राहत कब मिलेगी, ये सवाल है। सफाई कर्मियों की हड़ताल झाड़ू डाउन जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में शहर की जो व्यवस्था है, शहर के जो हालात है वो पूरी तरीके से अब बिगड़ रहे हैं। कचरे के ढेर जो है वो हर तरफ नजर आ रहे हैं और उस कचरे के ढेर पर पशु मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अफसर से लेकर जनप्रतिनिधियों के पास कोई समाधान नहीं है। दोनों निगम ने खुद के संसाधन और टीमों को फील्ड में उतार दिया, लेकिन शहर में बेपटरी सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। ऊपर नहीं पहुंचने से लोग खुले में अब कचरा फेंकने लगे हैं और उसका खामियाजा अब तमाम जो जयपुरवासी हैं, शहरवासी हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, पूरा सप्ताह हो चला है और अभी तक भी गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है, क्या फिलहाल मौजूदा तस्वीरें जयपुर की? देखिए, गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हड़ताल का सातवां दिन है और सात दिन से जयपुर शहर की आप जिस गली, जिस सड़क, जिस मोहल्ले से निकलेंगे, आपको सड़क से ज्यादा कचरा नजर आएगा। यानी कि आप देखिए कि जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, जिनका मानना है कि उनकी जो भर्ती है मस्ट्रोल से की जाए और वाल्मीकि समाज को इस सफाई भर्ती के अंदर तरजीह दी जाए, यानी ये गतिरोध टूटेगा तो शायद हो सकता है शहरवासियों को राहत मिले, लेकिन यहाँ गतिरोध टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और गतिरोध नहीं टूटने से इसका खामियाजा जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जयपुर नहीं, अब तो इसकी आंच है पूरे राजस्थान में यहाँ पर दौड़ने लगी। देखिए, राजस्थान के अंदर जी दीपक, ठीक है, शायद दीपक से संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप तस्वीरों को देख लीजिए किस तरीके से ये जयपुर शहर, जो कि अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है, और साथ में देखिए सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि अब इस हड़ताल का असर जो है वो तमाम जिलों से सामने आ रहा है। हर एक जिले से हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं। जरा देखिए, ये पिंक सिटी है और स्वच्छता सर्वेक्षण में खुद को टॉप पर रखने की सपना जो है वो देखते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आप जरा सोचिए कि वो सपना जो है वो कब पूरा हो पाएगा। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, वाल्मीकि समाज की यदि मांगों पर सरकार विचार करती है और यदि बात से बात बनती है तो जयपुर शहरवासियों को राहत मिल सकती है, और यदि बात से बात नहीं बनती है तो ये तय मानिए कि हड़ताल खिंचती है तो इस शहर के दुर्दशा और इस तरह के हालात और बिगड़ जाएंगे। देखिए, वाल्मीकि समाज की जो हड़ताल के कारण या झाड़ू डाउन हड़ताल के कारण पूरी जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरीके से डाउन हो रखी है। सात दिन का समय बीत चुका है, सरकार से एक वार्ता हुई लेकिन वो सकारात्मक नहीं रही, बात से बात नहीं बनी, और यही कारण रहा कि आज जयपुर शहर की सड़कों पर, जो कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये तो मैं एक जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन आप, ये वो इलाका है जहां पर जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर का जो रास्ता है इसी रास्ते से जाता है, लेकिन आप देखिए कि कचरा, अब तक ये शहर का कचरा है, रात को जो नाइट स्वीपिंग होती थी उससे उठ जाता था या किसी किसी तरह उठ जाता था, लेकिन अब इस तरह के हालात यहां पर हो चुके हैं कि मजबूरन लोगों को इस कचरे या सीवरेज के उफनते हुए पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है और इस पर मंडराते हुए जो आपको विचरण करते हुए जो पशु है वो भी नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए किस तरह के हालात हैं, लोग सीवरेज है वो ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, लोग देखिए किस तरीके से यहाँ से किसी तरह बस्ते बचाते हैं, यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर शहर यानी पिंक सिटी की है, दो नगर निगम है, नगर निगम दावा करता है कि हमने जो खुद के संसाधन यहाँ पर झोंक रखे हैं वो यहाँ पर लगा रखे हैं, उनसे हम जो वैकल्पिक इंतजाम है वो किए हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको बताती है कि ये शहर राजधानी की तस्वीरें हैं जिसे हम हेरिटेज का जिसे दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं हमारे निगम प्रशासन को, दो शहर की सरकार की मुखिया को, अफसरों को, कि आप अपने संसाधन जितने आपने लगा रखे हैं शायद वो नाकाफी हैं और इसी के कारण इस तरह के हालात जयपुर के अंदर बन रहे हैं। यदि देखिए सीवरेज का जो शिकायतों का जो आंकड़ा है वो भी नगर निगम की हेल्पलाइन पे लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जयपुर शहर के अंदर जो दारोमदार है पूरा सफाई का वो वाल्मीकि समाज
के सफाई कर्मचारियों पर है। हालांकि एक धड़ा उनका कहता है गैर वाल्मीकि समाज का कि उन्होंने सफाई का पूरा जिम्मा है वो संभाल रखा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में जयपुर शहर नहीं, अब अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, इसके अलावा अलग अलग जो शहरों हैं उनके अंदर भी इस तरह के हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये मजबूरन लोगों को जब डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए जब आपने हूपर की व्यवस्था कर रखी है और जब हूपर नहीं पहुंच रहे हैं तो लोगों को मजबूरन जो खुली ये कह सकते हैं कि जो कचरा डिपो है जो कि अब तक कागजों के अंदर खत्म कर दिए गए थे और मेहनत की थी यहाँ पर अधिकारियों ने, लेकिन अब इस वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की भर्ती ने उस मेहनत पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया। पानी इसलिए फेर दिया है क्योंकि कभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए केंद्र की टीम है हमारे स्वच्छता की परीक्षा लेने के लिए आ सकती है, लेकिन हमें पास होने के लिए हमारे शहर को साफ सुथरा रखना होगा। यदि इस तरह के हालात रहते हैं और इस तरह से कचरा नजर आता है तो हम इस परीक्षा के अंदर पासिंग नंबर भी नहीं ला पाएंगे, जो हमारी 171 और 173वीं रैंक 2023 के अंदर आई थी। ये चिंता का विषय है बेहद, और स्वच्छता के साथ साथ अगर हम देख ले तो ये इसका जो बहुत बड़ा असर है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और साथ के साथ यहाँ के पर्यटन पर भी इसका बहुत ज्यादा असर जो है वो पड़ने वाला है। ठीक है दीपक, हम आपसे अपडेट्स जो है वो लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।